भगवान मान जी, पंजाब को रिमोट कंट्रोल से नहीं चलने दीजिए। आप मेरे साथ लोकसभा में बैठे थे, आपकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के स्टेट से कह रहा हूँ, मगर पंजाब को दिल्ली से नहीं चलाना जाएगा। सड़क के साइड पे किसान मिले, पहले मैंने उनसे खेती के बारे में पूछा, फिर मैंने पूछा भैया बताइए ये आम आदमी पार्टी की नई सरकार आई है इसने क्या किया। उसका जवाब था कि ये रिमोट कंट्रोल सरकार है। मुझे अच्छा नहीं लगा। आम आदमी पार्टी से कांग्रेस पार्टी पंजाब में लड़ेगी, हम आपको हराएंगे, वो अलग बात है, मगर अगर ये किसान कहे रिमोट कंट्रोल सरकार है और मैं पूछूं रिमोट कंट्रोल मतलब, और वो कहे राघव चड्ढा, तो ये सही बात नहीं। गुजरात में आपका पैसा गुजरात के चुनाव में इस्तेमाल किया जाए, गुजरात में एडवर्टाइजमेंट दी जाए आपके पैसे से, ये सही नहीं, गलत। ये पंजाब के लोगों का पैसा है। और मैं फिर से कहता हूँ कि भगवंत मान जी मुझे अच्छे लगते हैं, मगर पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए। राहुल गांधी के रिमोट कंट्रोल वाले बयान पर आपने कांग्रेस पर किया पलटवार। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी पर राज्य में सरकार को रिमोट से नियंत्रित करने के आरोप पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को अक्सर दिल्ली बुलाती थी। गुरुवार को श्री गांधी ने पठानकोट में एक रैली में आरोप लगाया था कि पंजाब में भगवंत मान सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने राज्य में शॉर्ट्स बुलाने के लिए आप सांसद राघव चड्ढा की ओर इशारा किया था। राज्य में विपक्षी दल सीएम मान पर हमला कर रहे हैं। उनका दावा है कि उनकी सरकार को आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित किया जा रहा है। कांग्रेस के 52 वर्षीय युवा राहुल गांधी जी बादाम खाते हैं, आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। आपकी पंजाब इकाई के श्री गांधी के रैली के बाद गुरुवार देर रात ट्वीट किया, जो कांग्रेस की कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा थी। पार्टी ने हिंदी में अपने ट्वीट में कहा कि गांधी परिवार अक्सर तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को बुलाता था और वह दिल्ली जाते थे। पंजाब कांग्रेस ने शुक्रवार को पलटवार करते हुए कहा यह दिल्ली के दौरे के बारे में नहीं है, यह इस तथ्य के बारे में है कि दिल्ली के लोगों के पंजाब सचिवालय में कार्यालय है और वे शर्तें तय कर रहे हैं। पार्टी की राज्य इकाई ने ट्वीट किया, राघव चड्ढा के नियुक्ति पत्र का क्या हुआ। श्री गांधी ने गुरुवार को पठानकोट की रैली में ये भी कहा था कि वह सीएम मान का सम्मान करते हैं, लेकिन उनसे कहा कि पंजाब को पंजाब से ही चलाया जाना चाहिए, ना कि दिल्ली से। बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में होशियारपुर में अपने सार्वजनिक संबोधन का जिक्र करते हुए गांधी ने कहा था, मैंने भगवंत मान जी से कहा था कि पंजाब को रिमोट कंट्रोल से मत चलने दीजिए। कांग्रेस नेता ने कहा था कि मान को किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं बनना चाहिए और राज्य को स्वतंत्र रूप से चलाना चाहिए। मान ने गांधी से कहा था कि उन्हें लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है और उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री के पद से हटाकर कांग्रेस के पूर्व नेता अमरिंदर सिंह का अपमान करने की याद दिलाई थी। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हो समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।